Good morning all of you. Myself Sunil Kumar. Today I am going to start class 12 third chapter, name matrix. So let's begin. चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और इसकी अगर हम प्लूरल फॉर्म यूज करें तो वो हो जाती है मैट्राइज. क्लियर? तो ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे और मेरे यकीन कीजिए जो भी इसमें कुछ चलेगा आप अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखोगे. सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं मैट्रिक्स की होती क्या है. अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. यानी अगर किन्हीं भी नंबर्स का अगर आप एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हो तो वो मैट्रिक्स होगा. जैसे लेट्स से ए इज अ मैट्रिक्स और इसका मैंने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया 8 9 2 5 7 3. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और ये इसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें ये जो बिग ब्रैकेट्स हैं आप इन्हें ही यूज करेंगे. ये कुछ नंबर्स हैं और ये उनका क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और इसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स. आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 8 9 जो नंबर्स लिखे हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं क्या ये सिर्फ नंबर हो सकते हैं. तो इसका जवाब है नहीं. या तो यहां पर नंबर्स होंगे या फिर ये रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे. मैं यहां पर लिख सकता हूं ए बी सी पी क्यू आर या कुछ भी लिख सकता हूं, साइन एक्स टेन एक्स या फिर लॉग एक्स. बट इतना याद रखना है जो भी फंक्शन इसके अंदर आएगा वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा. यानी आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इसके अंदर माइनस वन लिख देंगे या कुछ भी, या रूट के अंदर माइनस वन आ सकता है. अब यहां पर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, मैट्रिक्स के अंदर रियल वैल्यूड फंक्शन के अलावा भी नंबर्स आ सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी आ सकते हैं, बट वो ट्वेल्थ क्लास के लिए हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है. यानी ट्वेल्थ के सिलेबस में जितने भी इसके अंदर आएंगे मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो नंबर्स होंगे या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे. खैर एक बार फिर से शुरू करते हैं. मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा नंबर्स का या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन का. जैसे कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको किसके अंदर लिखा जाएगा, एक बिग ब्रैकेट्स के अंदर. इसके दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा बी इज इक्वल टू ए बी सी डी. क्या ये एक मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक मैट्रिक्स है. और इसके अलावा और भी लिख लेते हैं हम 5 9 3, मान लीजिए सी इज इक्वल टू, ये सारे के सारे मैट्रिक्स हैं. आप कहोगे कि सर ये आप क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, क्या इनका कोई जरूरत पड़ती है कभी भी रियल लाइफ में? तो बिल्कुल, आप लोगों ने कुछ इक्वेशंस देखे होंगे अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस की, जैसे कि 3x प्लस 5y माइनस 9z इज इक्वल टू 7, या फिर कोई दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए 2x प्लस 7y माइनस 3z इज इक्वल टू 4, 11x माइनस 19y प्लस 4z इज इक्वल टू 17. अगर ये मान लीजिए कोई भी तीन लीनियर इक्वेशंस हैं और आपसे कहा जाए कि इनकी वैल्यूज निकालिए एक्स वाई और जेड की, तो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक तो आपके पास बड़े बेसिक्स मेथड होते हैं जो आप पहली क्लासेस में सीख चुके हो, उसके अलावा इनको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं. इसीलिए इस चैप्टर को हमने क्या किया, शुरू किया. इसके और भी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे यूजेज होते हैं उसके, तो वो भी खैर हम जानेंगे आगे चल के. अभी के लिए मैट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं, किन्हीं भी नंबर्स को बस आप एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख दो, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, वही मैट्रिक्स है. काम कहाँ आता है, इस तरीके की चीज़ों में ये काम आता है इनको सॉल्व करने के लिए. और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये क्या है, यूज में आता है. खैर आगे चलते हैं हम. अब सवाल ये उठता है कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. मैट्रिक्स में एक चीज बहुत महत्व रखती है और वो होती है इसका ऑर्डर. यानी ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा 8 9 2 5 7 3, ये मान लीजिए कोई भी एक नंबर है. अब इसमें आप देखेंगे तो दो रो है, रो वन और रो टू, इसको हम आर वन और आर टू कह सकते हैं. और इसमें तीन कॉलम है, एक कॉलम दो कॉलम और तीन कॉलम, यानी कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री.
यानी इसका यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रोज के नंबर में अगर आप कॉलम के नंबर का मल्टीपल करोगे तो वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो 2y3, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2y3, यानी दो रो है और तीन कॉलम है तो 2 × 3 ये हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। खैर अब ऑर्डर से हमें और क्या जानकारी मिल सकती है, देखिए अगर ऑर्डर 2y3 है तो 2 × 3 इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूं कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4y6 तो आप बिना कुछ सोचे समझे बोल सकते हो कि 4 × 6 इज इक्वल टू 24, तो उसके अंदर 24 एलिमेंट्स होंगे, हमारा ऑर्डर आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं इस वाली चीज को भी हम एक बार देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिए अगर हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट हैं उसका ऑर्डर पता है तब तो उसको लिखना कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी आप एक m/n ऑर्डर का कोई भी एक मैट्रिक्स लिखिए और उसके एलिमेंट्स कुछ भी आप अपनी तरफ से लीजिए, यानी एक जनरल अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहें m/n ऑर्डर का तो उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है मान लीजिए लेट्स से ए, अब इसके अंदर m रोज हैं और n कॉलम्स। मैं यहां पे आपको एक और चीज बता दूं जिसको पर्सनली मैं बहुत ज्यादा बताता हूं बच्चों को, अगर कोई भी हमारा मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम्स को आपको याद रखना है कि पहले कौन आएगा, रो आएगी पहले या कॉलम पहले आएगा। इसके अलावा जब आप इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो हम इन मैट्रिक्स के ऑपरेशन करना सीखेंगे, यानी मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन और भी कई सारी चीजें, तो उन सारी चीजों में भी ये चीज बहुत मदद करने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज के बाद आप एक छोटा सा फेवर कीजिए खुद के लिए, और वो फेवर क्या है कि आप प्लस को जब भी बनाएं तो पहले आप ये माइनस वाली लाइन खींचें और उसके बाद उसको ऐसे खींचें। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप प्लस ऐसे भी बना सकते हैं, यानी पहले आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें और बाद में यानी पहले आप ये वर्टिकल लाइन खींचें फिर बाद में हॉरिजॉन्टल, बट आज के बाद आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी अगर आप एक छोटा सा फेवर करते हैं, और वो फेवर क्या है कि आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए बाद में वर्टिकल। इससे क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा m/n, आप प्लस कैसे बनाते हैं पहले ये वाली लाइन खींचते हैं और बाद में ये वाली, तो जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं वो आपको हमेशा पहले लेने हैं क्योंकि हमने प्लस में वही बना रहे हैं, ये याद रखने में बहुत काम आएगा आप आगे जाके देखेंगे। तो m जो है वो ये होंगे जिनको हम रो कहते हैं और n जो है वो कॉलम्स होंगे, इसके एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है आप एक बार जरा चेक दें। हमारा पहला एलिमेंट होगा a11, यहां पर इस वन का मतलब है ये पहले रो का एलिमेंट है और ये पहला कॉलम है। अगर मैं दूसरा एलिमेंट लिखूंगा तो वो होगा a12, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, आपको से देखिए ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम है। तीसरा एलिमेंट क्या होगा a13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और हम आगे चलते जाएंगे यहां पर ऑर्डर देख के आपके पता चल जाएगा कि इसमें m रो है और n कॉलम, तो ये वाला क्या आ जाएगा पहली रो और mth कॉलम, क्लियर, तो 1m। ऐसे ही दूसरे वाला क्या होगा a21 a22 a23 .. a2, अच्छा कॉलम हमारे n थे माफ करना, तो यहां पर क्या आएगा a1n और a2n, इसी तरीके से a31 a32 a33 .. a3n, ये 2 3 4 .. n कॉलम्स आएंगे, रो कॉलम रो कॉलम, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, ऐसे ही हमारा अगर .. करें टोटल इसमें कॉलम्स कितने हैं 1, टोटल रो कितनी है m, तो 1 2 3 .. m, सबसे आखिरी वाली जो होगी वो mth रो होगी, यानी a
एम वन पहला कॉलम है, ए एम टू दूसरा कॉलम है, ए एम थ्री तीसरा कॉलम है, डॉट 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 ए एम एन। यानी आपको किस तरीके से आइडिया लगाना है, अगर मैंने आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया कि जैसे ये वाला है और उसके साथ लिखा हुआ है 3-3, यानी ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अभी जो भी सारी चीजें हैं वो बड़े बेसिक्स में आपको बता रहा हूं, जब इनको हम आगे बढ़ेंगे और जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको इनमें से हर एक चीज का मीनिंग समझ में आएगा कि ये A33 का मतलब क्या है, या फिर इसको समझाने के लिए मैं इतने प्रयास क्यों कर रहा हूं। इनका बहुत ज्यादा महत्व रहता है जब हम एक्सरसाइज को करेंगे। हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर देख लिया क्या होता है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसमें अगर लिखा होता है एम बाई एन इसका मतलब क्या है। इसके बाद हमारे मैट्रिक्स कई सारे टाइप के होते हैं, और मैट्रिक्स का ही एक और टाइप है जिसको हम डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में मैट्रिक्स की, जिसको कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो पूरा एक चैप्टर है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं, देखिए मैट्रिक्स के टाइप्स में ना तो आपको कोई भी एक भी डेफिनेशन लिखने की जरूरत है और ना ही उस डेफिनेशन को याद करने की। जो भी नाम लिखा होगा उसी नेम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स क्या कहना चाह रहा है। खैर हम सबसे पहले देखते हैं, एक होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अभी हमने देखा कि जैसे कि ये हमारा एक मैट्रिक्स था 2, 3, 5, 7, 9, 4, क्या एक मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या ये स्क्वायर है? नहीं। ये स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर्स ऑफ कॉलम के। इसके अंदर दो रो हैं और तीन कॉलम्स हैं। अगर रोज और कॉलम्स बराबर हो जाते तब ये क्या होता, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2, टू रोज हैं और टू कॉलम्स हैं, यानी ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर मैं एक और लिखना चाहूं, मान लीजिए C इज इक्वल टू, तो 8, 9, 2, 5, 7, 4, 3, 9, 2, इसका ऑर्डर कितना है? 3 by 3, इसका ऑर्डर कितना है? 3 by 3, यानी इसमें भी नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, थ्री रोज हैं और थ्री कॉलम्स, तो ये वाला मैट्रिक्स भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक और चीज मैं यहां पे आपको बता दूं, जैसे इसका अगर आपसे कोई भी ऑर्डर पूछेगा तो आप इसमें क्या कहोगे कि इसका ऑर्डर है 2 by 3, इसका ऑर्डर आप क्या बताएंगे? 2 by 3। इसका अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो आप क्या कह सकते हो? ऑफ ऑर्डर 2, यानी ए बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2 by 2 का है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप उसको ऑफ ऑर्डर 2 कह सकते हो, इसको भी ऑफ ऑर्डर 3 कह सकते हो, लेकिन लिखना आपको 3 by 3 ही पड़ेगा। इधर भी आपको 2 by 2 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन बोलने में आप कह सकते हो ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और भी हमारे कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एक होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? इसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा एक जीरो मैट्रिक्स होगा। अच्छा क्या इसमें कोई फिक्स ऑर्डर है? नहीं। ये 1 by 1 का भी हो सकता है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 का भी हो सकता है, ये 3 by 3 का भी हो सकता है, और ये 2 by 3 का भी हो सकता है, यानी किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स होने के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे जीरो होंगे। और भी टाइप्स देखते हैं हम आगे, इनमें आप ज्यादा परेशान ना हो, जब भी इनका नाम आएगा तो आपको ये धीरे धीरे खुद से ही याद हो जाएंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ में। आगे हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, नेम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर केवल एक रो होगी, कॉलम कितने हैं? कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ए बराबर 5, 9, 4, इसमें रो काउंट कीजिए कितनी है? एक। कॉलम कितने हैं? 3। लेकिन रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी। और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें एक रो है लेकिन चार कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम, लेकिन फिर भी ये भी क्या होगा? हमारा एक रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है? एक रो होगी, कॉलम्स के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वैसे तो आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए, जब रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो है तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर P बराबर, कैपिटल ही यूज करना है आपको हमेशा, P बराबर A कॉमा B, कॉलम मैट्रिक्स है, और भी देख लीजिए Q बराबर 1 2 3 4, रो मैट्रिक्स एग्जैक्टली 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स एग्जैक्टली 1 कॉलम, ठीक है। आगे भी हम चलते हैं, एक होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, मैं सीधे एग्जांपल देके समझाता जाता हूं आपको, बहुत सारे टाइप्स हैं इनके। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे मान लीजिए डायगोनल में मैंने लिख दिया 2 3 और 4, और यहां पर 0 0 0 0 0, यानी डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे मैट्रिक्स, सारे के सारे एलिमेंट्स माफ कीजिए, जीरो होंगे। आपको यहां पर एक और चीज बता दूं, डायगोनल मैट्रिक्स केवल तभी हो सकता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी अगर इसका ऑर्डर 3x3 है, यानी अगर ये क्या है, एक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो केवल तभी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। यानी अगर कोई भी ऐसे लिखा हुआ है 2 3 0 0 0 0, और आप कहें कि ये वाला भी जो डायगोनल है वो जीरो एलिमेंट्स हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि आप यहां पर कुछ और होता और यहां पर 3 होता, फिर कहते, तब ये नहीं होता, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, 3 0 0 0 4 0 5 0 और 3, यहां पर भी 0 आएगा। तो इस डायगोनल को छोड़ के बाकी अदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो ये क्या होगा, हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक जैसे। यानी अभी ये डायगोनल है, लेकिन अगर ये सब सेम हो जाएं, जैसे यहां पर 2 लिखा है तो ये सारे 2 हो जाएं, अभी क्या हो गया, इसके सारे के सारे जो क्या है, आइडेंटिकल हो गए, यानी एक जैसे हो गए जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। अब ये क्या है, डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल के साथ साथ ही आगे और भी क्या हो गया, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, मैं इनको 4 कर दूं सबको, 4 4 4, तो जो भी डायगोनल पर लिखे हुए एलिमेंट्स वो सारे के सारे सेम हो गए, यानी आइडेंटिकल हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर मैट्रिक्स। यानी अगर डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तब वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे के सारे सेम हो, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का भी अगर एक स्पेशल टाइप हो तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए ये जो आइडेंटिकल है ना, ये सारे के सारे 1 हो जाएं, जैसे 1 0 0 1, ये आइडेंटिकल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको हम देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, आई ये भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या ये 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, हाँ, 4x4 का, बिल्कुल, 6x6 का, हाँ, हो सकता है, लेकिन ये कभी भी स्क्वायर के अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं हो सकता। मैट्रिक्स के और भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन अभी हम उनको नहीं देख रहे हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सीखनी पड़ेंगी कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, तभी उनकी डेफिनेशन तक समझ में आएगी। खैर, हम आगे चलते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ, और वो है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इक्वल मैट्रिक्स। यानी अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उनको हम कब कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए 1 2 3 4, और कोई भी दूसरा एलिमेंट मैट्रिक्स दे रखा है बी, बी में भी लिखने से पहले आपको समझा देता हूं कि ये कब होंगे इक्वल। देखिए, कोई भी एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने की केवल एक ही कंडीशन है, अगर इनका ऑर्डर सेम हो। यानी अगर इसका ऑर्डर क्या है 2x2, तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2x2, और
इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों, यानी अगर यहां पर वन दे रखा है तो यहां पर वन ही होना चाहिए, यहां पर थ्री दे रखा है तो यहां पर भी थ्री होना चाहिए, यहां पर टू दे रखा है तो यहां पर भी टू होना चाहिए, और यहां पर फोर दे रखा है तो यहां पर भी फोर होना चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन टू मैट्रिक्स कैन बी इक्वल। केवल इसमें हम इफ एंड इफ लगा सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यानी केवल यही कंडीशन है ए और बी के बराबर होने की, जब इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों, साथ में इनके ऑर्डर बराबर हों। अब इसका हमें यूज क्या मिलता है, या फिर ये आप कहेंगे कि सर आपने एक ही एलिमेंट लिख दिए, बिल्कुल दोनों सेम ही है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, फिर आप इक्वल बता रहे हो, होते ही यही है, फिर भी इनका यूजेस होता है, वो कैसे हो सकता है आप देख लीजिए। लेट्स से आपसे कहा गया है कि दो मैट्रिक्स हैं, ए बराबर बी बराबर हमें गिवन है, और किस तरीके से दे रखे हैं, मान लीजिए यहां पर दे रखा है 8 9 2 3 और यहां पर दे रखा है x 9 0 सॉरी माफ कीजिए 2 और y, इस तरीके से आपको कुछ दे रखा है कि a बराबर b है, ये हमारा a है और ये b है, तो ये आमने सामने आ जाएंगे, हमें डेफिनेशन से पता है कि इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो वहां से हमें क्या मिल सकता है कि x बराबर होगा 8 के और y बराबर होगा 3 के, इनकी हमें कंपैरिजन करने पर मिल जाएगा। आपको हो सकता है यहां पर एक कंफ्यूजन हो गया हो कि जो मैट्रिक्स है वो केवल तभी इक्वल होते हैं जब वो स्क्वायर हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनका स्क्वायर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल और देख लेता हूं, मान लीजिए आपको दे रखा है 2 3 5 7, चलिए मैं इसको कुछ अलग तरीके से लिखता हूं, 2 2 x, यहां पर y लिख दिया, यहां पर 7, यहां पर 5 और यहां पर 9, और यहां पर इसके बराबर में दे रखा है मान लीजिए कुछ a 5 और यहां पर दे रखा है 3, यहां पर दे रखा है b, यहां पर दे रखा है c और यहां पर दे रखा है मान लीजिए d, और आपसे कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू पूछी है जो कि मिसिंग है, तुम क्या करेंगे दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेंगे, आप देख सकते हैं कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है लेकिन ये फिर भी इक्वल है। यहां से a बराबर कितने के हो जाएगा, 2 के, x बराबर किसके हो जाएगा, 5 के, y बराबर किसके हो जाएगा, 3 के, b बराबर किसके हो जाएगा, 7 के, c बराबर किसके हो जाएगा, 9 के, और d बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। तो इस तरीके की कई बार हम वैल्यूज इनसे निकालेंगे और ऑर्डर का यही महत्व होता है।